औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 7th August 2020 एंड फ्राइडे। योर लेक्चर नंबर 21 एंड योर डायरी इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 1-4 लर्न, बुक पेज नंबर 67 एंड योर क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट, Why does give the positive charge to the nucleus of an atom? यानी एटम को पॉजिटिव चार्ज किस तरह मिलता है, यानी कि एटम में न्यूक्लियस होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है? इसका आंसर हम देखते हैं, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता और सिर्फ बाकी प्रोटॉन रह गए, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट प्रोटॉन्स आर द पार्टिकल्स गिव द न्यूक्लियस इट्स पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स ही वो पार्टिकल हैं जो कि न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ केटाइन एंड एन एनायन। केटाइन और एनायन की डेफिनेशन लिखनी है, तो साथ में हमने इसकी एग्जांपल्स देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर्स, केटाइन, व्हेन एन एटम रिलीजेस, रिलीज का मतलब होता है खारिज करना, इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एटम का, उसमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएं तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम अ पॉजिटिव आयन और केटाइन। इस तो इसकी वजह से जो आयन बनता है हम उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं या फिर केटाइन कहते हैं। एक दफ़ा फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं, केटाइन है क्या। केटाइन क्या है कि हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे तो प्रोटॉन, हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे उतने प्रोटॉन नंबर होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज हो जाएंगे तो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे खारिज होने की वजह से, तो इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम पॉजिटिव आयन या फिर केटाइन कहेंगे। एग्जाम्पल है इसके हमारे पास हाइड्रोजन H1+, यानी कि इसकी वैलेंसी ही 1 है, इसलिए हम 1+ कर रहे हैं। तो प्लस क्या साइन शो कर रहा है कि इसमें से आयन रिलीज हो रहे हैं। फिर सोडियम, सोडियम Na1+, इसकी भी वैलेंसी 1 है, यानी कि इसमें इतनी साइज पाई जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ कर सके, इसलिए 1+ आएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमसे डेफिनेशन पूछी थी एनायन की, तो एनायन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन एटम अब्सॉर्ब्स, अब्सॉर्ब होता है यानी ऐड करना, जज़ब करना अपने अंदर, किसी चीज़ को अपने अंदर ले जाना। तो यहाँ पे हम कहेंगे व्हेन एन एटम अब्सॉर्ब्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि हमारे पास ये जो एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल, ये हमारे पास इसका शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता जाएगा लेकिन प्रोटॉन नंबर भी कम हो जाएंगे। तो प्रोटॉन नंबर कम होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम नेगेटिव आयन और एनायन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास फ्लोराइड की, F1-, ये माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब हुए हैं, जो माइनस साइन है वो शो करता है कि अब्जॉर्ब हुए हैं, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो शो करता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। तो हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है क्लोराइड, तो क्लोराइड Cl1-। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है केमिकल फार्मूला है क्या, इसका आंसर देखते हैं। केमिकल फार्मूला डिस्क्राइबिंग अ मालिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला।
हमारे पास जो एटम के मॉलिक्यूल होते हैं, हमने मॉलिक्यूल जो है उसके किसे डिस्क्राइब करना है, सिंबल्स में और वैलेंसीज में। यानी हमें जो फार्मूला हमने लिखा है, जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास उसके सिंबल्स और वैलेंसीज जो हैं वो डिस्क्राइब करेंगे, तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसमें इसके सिंबल्स भी रिप्रेजेंट की गई हैं, इसकी वैलेंसी भी रिप्रेजेंट की गई है। यानी कि इसके सिंबल क्या है, हमने फुल तो हाइड्रोजन ही ना लिखा, यहाँ पे हमने इसकी सिंबल लिखी है एच, तो ये हमारे पास इसके सिंबल है, और इसकी वैलेंसी क्या है, ये टू लिखा हुआ है, तो इसकी हमारे पास वैलेंसी है। केमिकल फार्मूला जो है हमारे पास दो चीज़ें जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक सिंबल्स और दूसरा वैलेंसीज। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज़, अब ये हमें क्या बताता है केमिकल फार्मूला, हमें ये दो चीज़ें बताते हैं, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स यानी किस किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं मॉलिक्यूल में वो बताता है, इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताता है। अब हमारे पास ये बताया गया कि काइंड ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कौन सी काइंड है, सिर्फ हाइड्रोजन पाया गया इसमें, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी से शो हो रहा है कि यहाँ पर टू हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दो हैं। एग्जांपल देखें, H2 रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द नेम्स चार्जेस एंड लोकेशन ऑफ थ्री काइंड ऑफ पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम। यानी कि एटम के अंदर जो तीन पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको हम प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, यानी कि इनके नाम भी लिखें, सेकेंड में रखें इनके चार्जेस भी बताएं कि इन पर कौन कौन से चार्जेस पाए जाते हैं, यानी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्जेस पे नेगेटिव चार्ज है या फिर कोई नहीं है, तो इनकी लोकेशन भी बताएं यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं ये। तो आंसर देखें इसका, हमारे पास इसका आंसर है, सबसे पहले उन्होंने नेम पूछे थे, तो नेम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उनके नेम है ये। फिर इनके चार्जेस के बारे में उन्होंने कहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इट हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड पे उन्होंने हमसे इन तीनों की लोकेशन पूछी है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक अप द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी किसी भी एटम का सेंटर जो है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, ये न्यूक्लियस के गिर जो शेल पाए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, जजाकल्ला।